हेलो फ्रेंड्स, टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट एचवी चैट रिएक्शन, जिसका पूरा नाम है हेल्वोल्हार्ट जिलिंस्की रिएक्शन। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करेंगे PBr3 एंड Br2, देन अल्फा कार्बन है वो ब्रोमिनेटेड होगा। इस टाइप की जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है उसको हम कहेंगे एचवी चैट रिएक्शन। ए बेस विल रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम OH इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द अल्फ़ा कार्बन, बिकॉज OH इज ए मोर एसिडिक। अल्फ़ा सब्सटीट्यूशन होगा यहाँ पर क्योंकि असाइल ब्रोमाइड है देन कार्बोक्सिलिक के, सो हमारे पास जो अल्फ़ा सब्सटीट्यूशन मिलेगा ठीक प्रोडक्ट में। यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अल्फ़ा पोजिशन पे जो कार्बन है उसका वहाँ पर ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, बस यही इसके अंदर रिएक्शन किया। आगे हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म को हम शॉर्ट दो लाइनों में लिखें तो जो PBr3 है वो कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल ब्रोमाइड, जो कि इक्विलिब्रियम होगा उसके इनॉल फॉर्म के अंदर। एंड ब्रोमिनेशन ऑफ इनॉल फॉर्म ए प्रोटोनेटेड अल्फा ब्रोमिनेटेड एसाइल ब्रोमाइड विच इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू ए अल्फा ब्रोमिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, PBr3 है वो रिप्लेस करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के OH विद दी ब्रोमीन के साथ है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो एक अटैक करेगा लोन पेयर ऑक्सीजन के फॉस्फोरस पे एंड एक ब्रोमीन क्या है रिमूव होगा, यहाँ से लॉस होगा। ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक करेगा इस CO ग्रुप के कार्बन पे, इसकी वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होकर शिफ्ट होगा। अगर ये जो है अच्छा एक लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से ये वापस क्या होगा रिमूव होगा, एक लिविंग ग्रुप है जो अच्छा लिविंग ग्रुप बन रहा है। यहाँ से हमारे पास ये मिल गया असाइल ब्रोमाइड, इस असाइल ब्रोमाइड को टोटमराइज करेंगे इनॉल फॉर्म के अंदर जो कि इसकी इक्विलिब्रियम के अंदर है। यहाँ देखिए जो OH ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो एच के ऊपर अटैक करेगा एंड ब्रोमीन का क्या होगा लॉस होगा। ये ब्रोमीन वापस यहाँ पर इस एच पे अटैक करेगा देन बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और यहाँ पर जो प्लस पॉइंट चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से इनॉल फॉर्म के अंदर ये होगा, ये इस इनॉल फॉर्म के साथ होगा इक्विलिब्रियम में। देन यहाँ पर क्या है स्टेप 3 के अंदर क्या होगा कि जो इनॉल फॉर्म है उसका हम करेंगे रैपिड ब्रोमिनेशन एट अल्फा कार्बन पे। यहाँ पर देखिए Br2 हमारे पास है जिसमें से ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो इस ब्रोमीन के ऊपर एंड एक ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। ये ब्रोमीन जो बाहर गया है फर्स्ट ब्रोमीन तो यहाँ पर इस अल्फा कार्बन पर अटैच हो जाएगा, दूसरा जो बचा है वो हमारा इस एच को रिमूव कर देगा। ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट हम क्या करेंगे हाइड्रोलाइज करेंगे कुछ इस तरीके से। जब यहाँ पर ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस कार्बन CO के कार्बन पे और यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन का और कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर जो ये नेगेटिव वापस यहाँ पर आएगा ठीक है एंड ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा है तो ये बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइज है, हमारे पास H2 पड़ा है जो कि इस प्रोटॉन को बाहर कर देगा और यहाँ से प्लस चार्ज हट जाएगा ठीक है यहाँ पर ब्रोमीन। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का वो मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। अल्फ़ा सब्सटीट्यूशन होगा, अल्फा कार्बन के ऊपर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा ठीक है। आगे इस रिएक्शन की जो कंडीशंस क्या है कुछ उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिएक्शन कंडीशन आर रिलेटिवली हार्श इन्वॉल्विंग हाई टेम्परेचर, यूजुअली अबोव 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होगा, जिसके वजह से क्या होगा इसके रिएक्शन टाइम में वो इंक्रीज हो जाएगा एक्सटेंड हो जाएगा। कंडीशन ऑफ रिएक्शन इज एट टू हाई टेम्परेचर में रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द प्रोडक्ट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसके अंदर एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनने की भी संभावना बन रहती है। यूजुअली जो हमारे पास हम फॉस्फोरस PX3 जो भी डालेंगे PBr3 वो 1 इक्विवेलेंट से कम ही
होता है, जरूरत होती है उसकी कैटालिस्ट की। ये था हमारे पास एच वी चैट रिएक्शन आज की वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।